Mad Max. इस बार ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो वीर को खत्म कर देगा। वीर के बचने का अब कोई चांस नहीं। बॉस बॉस, क्या हो रहा है बॉस? बचाओ बचाओ बॉस, बचाओ। टिम्बक्तु, ये क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बॉस, ये मैं क्या बन गया? मुझे क्या हो गया बॉस? सही, लेकिन मुझसे ऐसी चीज बन गई है जो शायद डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं बना सकता। जाओ, जाओ और वीर को खत्म करके आओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को दिखा दो कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अब जाओ। बॉस बॉस प्लीज, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। वीर से मैं कैसे लड़ूंगा बॉस? वो बहुत शक्तिशाली है। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर तमाम सुपर पावर्स हैं। तुम्हारी जीभ ही खुद एक हथियार है। क्या? जीभ भी हथियार है? ये क्या कर रहे हो? चलो मुझे, चलो। ओके, ये लो। चाट खा के आता हूँ। अरे जिंटू रुक जाओ, मैं सीसो में अकेले कैसे झूलूंगा? जिंटू रुको, मैं भी आता हूँ, मुझे गाजर खाने हैं। जिंटू चलो गाजर खाने चलते हैं। चाट खा के भी तो देखो कितना टेस्टी है। अरे गाजर खा के तो देखो कितनी टेस्टी होती है। वाओ, मुंह में पानी आ गया। ओके ओके, पहले थोड़ी चाट खा लूं, फिर गाजर खाने चलते हैं। ए चुलबुल, चाट खाना है तो अपने लिए एक प्लेट ले लो। मेरी प्लेट पर क्यों हाथ साफ कर रहे हो? मैंने कब खाया? जिंटू मुझ पे गलत इल्जाम ना लगाओ। देखो चुलबुल, मेरे साथ होशियारी नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है, मैं ही जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब मैं मजे से चाट खाऊंगा। मेरी चाट खाएगा? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। असली लिजर्ड आ गई, अब क्या करूं बॉस? ये बहुत खतरनाक लग रही है बॉस।
सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अभी अभी हमारे सूत्रों के अनुसार शहर में दो आश्चर्यजनक विशाल लिजर्ड्स ने आतंक मचा रखी है। एक चाट की शौकीन लिजर्ड चाट खा रही है तो दूसरी रोबो बॉय से लड़ रही है। अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। ये दूसरी लिजर्ड कहाँ से आ गई? तो मार भगाया, पर एक चाट खाने वाली लीजर्ड भी बाजार में घूम रही है। दादाजी, वो जरूर चिंटू होगा। चलो इमली, उसे पकड़ के लाते हैं, वरना वो पूरे शहर का चाट खा जाएगा। लिजर्ड के रूप में क्या कर रहा हूँ?
वीर पता है यहाँ एक बड़ी सी लिजर्ड आई थी, मैंने उसे मार के भगा लिया। और एक दूसरी लिजर्ड भी आई थी जिसने शहर के सब जाट वालों की जान खत्म कर दी। वीर तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके बड़ा मजा आएगा। इमली हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। फेकी फेकी देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा, अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। नारियल पेड़ के नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाओ, वीर देखो देखो नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारी दोस्तों को खाने वाला है। कोकोनट ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक भी जाओ, वो मेरी जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं। Yeah.
अरे क्या कर रहे हो, हटाओ अपनी गाड़ी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी कार, वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। करो पकड़ो उन्हें, मैं भी कोशिश करता हूँ। वापस पेड़ पे चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूँ, ये कब बंद होगा? जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद ना चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओ चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, अब चलो जल्दी। जवानों, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और ये एक साथ अटैक करना। यस सर। इमली तुम दूर जा वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। चिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए। दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला, हम आ गए। गुड जॉब डन, तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। ओ,
जीत तुम्हारी हुई। अब तुम सब थक गए होंगे, घर जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी है, इन्हें घर भेज दो। ओके, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, आप फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना, उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर ही ठीक है, नारियल पानी बहुत भारी पड़ा।